हेलो फ्रेंड्स, स्पार्किंग लाइफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एमिशन एमपीपीएससी 2019 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय का पूरा होल सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के बारे में सुनता है तो इन विशेषताओं के दिवे जान ले तो जान लेगा कि मध्य प्रदेश क्या है और इसकी विशेषताएँ क्या है। चलिए अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ। देखिए, मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर लूँगा जिसमें आपको पता चलेगा मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, किसकी सिफारिश से हुआ, कौन कौन सी रियासतें इसमें जोड़ी गई। आज हम केवल मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ कि मध्य प्रदेश कैसे बना। देखिए, स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश का गठन सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार में छत्तीसगढ़ और बघेलखंड और भोपाल की रियासतें मिलाकर एक नवीन मध्य प्रदेश का गठन किया गया, जिसकी राजधानी भोपाल कहलाएगी। अच्छा, स्वतंत्रता से पहले क्या था कि भोपाल राजधानी नहीं थी। स्वतंत्रता से पहले यहाँ पे नागपुर राजधानी हुआ करती थी। जब हम मध्य प्रदेश का गठन पढ़ेंगे तो उस समय पूरा जानेंगे कि मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता से पहले क्या स्थिति थी और स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति है। चलिए, तो आज हम मध्य प्रदेश की सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं हम कि सबसे पहले मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, अर्थात मध्य प्रदेश भारत में कहां पर स्थित है। देखिए, मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति से हम पता लगा लेते हैं कि मध्य प्रदेश भारत में कहां है। तो मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति है 21° 6' से 26° 54' उत्तरी अक्षांश, यानी कि यहाँ पर हमारा है 21° 6' उत्तरी अक्षांश और यहाँ पे है 26° 54' उत्तरी अक्षांश। अब हम देशांतर स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर है हमारी 74° पूर्वी देशांतर और यहाँ पर है 82° 47' पूर्वी देशांतर। तो ये हमारी मध्य प्रदेश की अक्षांशीय और देशांशीय स्थिति है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, ठीक, दोनों के लिए ही आपको इसे याद कर लेना है। चलिए अब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 308,252 वर्ग किलोमीटर, यानी कि यह देश का 9.38% क्षेत्रफल अपने पास रखता है। और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अच्छा, पहला कौन सा है? तो पहला है हमारा राजस्थान। चलिए अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश कौन कौन से राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश सबसे पहले हम बात करते हैं, पूर्व में छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, इसके बाद हम आते हैं दक्षिण में महाराष्ट्र से लगा हुआ है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके पश्चिम में गुजरात है और उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, जबकि उत्तर में उत्तर प्रदेश है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश 5 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, 5 राज्यों की सीमाओं से मध्य प्रदेश लगा हुआ है। चलिए अब हम मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि सामान्य परिचय के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। लगातार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो हम देखते हैं क्या कुछ हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। अच्छा, 1 नवंबर क्या मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस। ठीक है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 2000, यानी पुनर्गठन अर्थात कि हमारा जो छत्तीसगढ़ यहाँ से जो राज्य है यह मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था। तो धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को रात 12 बजे से अलग कर दिया गया है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश का हम नामकरण की बात करते हैं। मध्य प्रदेश को आखिर मध्य प्रदेश क्यों कहा जाता है? देखिए, मध्य प्रदेश इसलिए कहा जाता है कि भारत के मध्य में अवस्थित होने के कारण मध्य प्रदेश नाम इसको दिया गया है। इसी के साथ जो नामकरण किया है वह हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया है। अच्छा, इसे उपनाम क्या क्या है? मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सोया स्टेट, देखिए सोया स्टेट, सोयाबीन फसल सबसे ज़्यादा होती है भारत में, पूरे भारत में मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसलिए इसे सोया स्टेट कहते हैं। अच्छा, नदियों का मायका भी इसका उपनाम है। नदियों का मायका क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी छोटी बड़ी नदियाँ हैं, नर्मदा, सोन, ताप्ती, इस प्रकार की नदियाँ हैं, तो इसे नदियों का मायका कहा गया है। टाइगर स्टेट भी इसका नाम है।
चलिए अब हम आगे देखते हैं कि राजकीय भाषा, मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। तो मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, जैसे हमारे भारत की राष्ट्रभाषा और राजकीय भाषा हिंदी है, तो इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, याद रखिएगा प्रशासनिक राजधानी है भोपाल, जबकि ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। देखिए सिंगरौली के अंतर्गत एक बैढ़न है, बैढ़न, ये देख रहे स्पेशल आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो बैढ़न सिंगरौली के अंदर ही है, तो सिंगरौली हमारे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। इसी के बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है इंदौर। अब हम देखते हैं राजकीय खेल, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंब। देखिए मलखंब क्या होता है, मलखंब एक खंभा होता है जिस पर एक फ्लैग लगाया जाता है, यहाँ पे झंडा लगाया जाता है, और इस खंभे पर बहुत सारी चिकनाई या तेल या दूसरी चीज़ें लगाई जाती है, जिससे कि इसको झंडे को तोड़ के लाना होता है, निकाल के लाना होता है, यहाँ पे एक फ्लैग लगाया जाता है, तो इसे ही मलखंब का खेल कहा जाता है, जो कि भारत में अपना मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। मध्य प्रदेश की बोलियों की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की बोली है गोंडी, निमाड़ी, मालवी, बघेली, इनके साथ ही बुंदेलखंडी, ये सभी टच हमारे इसमें मध्य प्रदेश की बोलियों में शामिल है। राजकीय पशु की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। देखिए बारहसिंगा की बहुत सारी प्रजातियां होती है, जिसमें ब्रेडरी जाति का जो बारहसिंगा है वह मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो राजकीय पक्षी है पैराडाइज फ्लाई कैचर। देखिए पैराडाइज फ्लाई कैचर को हम दूधराज या शाह बुलबुल के नाम से भी जानते हैं, आपको तीनों नाम याद रखना है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। राजकीय वृक्ष, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद का पेड़। देखिए मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष, इन तीनों को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ 1981 में अपनाया गया है, याद रखना है आपको 25वीं वर्षगांठ 1981 को अपनाया गया है। और मध्य प्रदेश का राजकीय गान है मेरा मध्य प्रदेश, जो कि 1 नवंबर 2010 को अपनाया गया था। इसके जो रचनाकार हैं वो है महेश श्रीवास्तव। चलिए मध्य प्रदेश की लंबाई है 870 किलोमीटर, यानी कि मध्य प्रदेश की पूर्व से लेकर के पश्चिम की जो लंबाई है वह है 870 किलोमीटर, और जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है वह है 605, यानी कि वह चौड़ाई है, तो जिसे हम 605 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश के जिलों की हम बात करते हैं तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो वर्तमान मध्य प्रदेश में है 52 जिले, तो नवीनतम 52वां जिला कौन सा है, वह है निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ राज्य टीकमगढ़ जिले से बनाकर अलग किया गया है ना। संभाग है 10 और नवीनतम संभाग है शहडोल। तहसीलें कितनी है, तो मध्य प्रदेश में तहसीलें हैं 368। विकासखंड की हम बात करें तो विकासखंड है 313 और जिला पंचायत है 52 और जनपद पंचायत भी है, सॉरी यहाँ पे 52 नहीं है, जनपद पंचायत की संख्या 313 है। ठीक है, नगर निगम जो है मध्य प्रदेश वर्तमान नगर निगम की संख्या 16 है और नगर पालिकाएं 100 हो चुकी हैं। नगर परिषद जो है वह 264 और कुल ग्राम है मध्य प्रदेश में 54,903। अब हम आगे देखते हैं मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महासीर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महासीर। राजकीय नाट्य, नाट्य अर्थात ड्रामा, तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है माच। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई, नृत्य अर्थात डांस। राजकीय फसल है सोयाबीन, इसी फसल के कारण मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है, यानी कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। राजकीय फल है आम, ठीक है, फलों का राजा आम, यह मध्य प्रदेश का राजकीय फल है। राजकीय चिन्ह की हम बात करें मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है 24 स्तूप आकृति के अंदर, यानी कि एक ऐसा है इसके अंदर 24 स्तूप हैं, इसके आकृति के अंदर धान और गेहूं की बालियां हैं। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे 24 स्तूप है इस तरीके से, और इसके अंदर धान और गेहूं की जो बाली है, यह मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। चलिए राजकीय पुष्प की हम बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है वह सफेद लिली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए हम मध्य प्रदेश के प्रशासनिक के अंदर बात करते हैं, प्रशासन के अंदर, तो मध्य प्रदेश के विधानसभा सीट है कितनी है, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट है 230 प्लस एक। देखिए मैंने अलग अलग लिखा है क्योंकि 230 जो है वो चुनाव, मतलब हम चुनते हैं उन्हें, जो विधायक हैं 230 वो चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, और एक जो है
वह होता है आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन, जिसे कि राज्यपाल नियुक्त करता है। चलिए लोकसभा सीटें कितनी है, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं 29, यानी कि सांसद कितने हैं मध्य प्रदेश से, वो हैं 29। इसके साथ ही राज्यसभा सीटें कितनी है, तो राज्यसभा सीट है 11। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट, देखिए इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है 35। और इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है 47। इस प्रकार टोटल पिछड़े वर्गों के लिए 35 + 47 = 82, ये 82 सीटें जो हैं वह अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विधानसभा में आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एसटी के लिए, एससी के लिए 4 जो सीटें हैं वह आरक्षित हैं लोकसभा में। हमारे मध्य प्रदेश से जो कि 29 सीटें हैं उनमें से 4 सीटें जो हैं वह आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। इसके बाद आता है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें हैं 6, यानी कि 29 सीटों में से 6 सीटें जो होंगी वह रिजर्व है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद का मध्य प्रदेश सामान्य परिचय हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगले लेक्चर में आपको मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पूरा कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद फिर हम इंडिविजुअली मध्य प्रदेश का गठन पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन कौन से रियासतों से हुआ, किस प्रकार से हुआ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।